तो यार तुम्हारा भाई लेके आ गया एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो, और ये वाली वीडियो जो है फुल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। मतलब इसमें मैं आपको फुल एक एक्सपर्ट की राय देने वाला हूँ, मतलब कि एक तरफ से एक एक्सपर्ट ने जो बोला है, जो ऑफिशियली काम करता है इस पर, साइबर पे काम करता है, सिक्योरिटी डिटेल पे काम करता है, और किस ऐप को कैसे बैन किया गया है, कैसे क्या बैन किया गया है, उसमें क्या रीज़न है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है इसमें मैं आपको 100% प्रूफ देने वाला हूँ। क्योंकि जिस बंदे की मैं प्रूफ देने वाला हूँ, जो एक्सपर्ट है, वो खुद एक इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम में काम करता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ और उसने लाइव आके बताया है, और तो आप खुद सुन लीजिएगा। क्योंकि अभी देखो, कुछ दिन पहले जो है टिकटॉक बैन हुआ था, उसके साथ 59 या कुछ और ऐप बैन हुए थे। तो उनके पास भी जैसे ही अगर इंडियन गवर्नमेंट बैन करती है किसी ऐप को, तो उसके पास 70 या 80 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड, या फिर उनको क्यों बैन किया गया है, अगर वो वापस से आना चाहते हैं तो क्या रीज़न है। इसीलिए जो है उनके पास 70 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। ऐसे पबजी के साथ भी हुआ है, तो उसके पास भी 70 क्वेश्चन पहुँच गए सिक्योरिटी के रिलेटेड। और उस अभी तक जो है किसी ऐप को अगर इंडियन गवर्नमेंट बैन करती है या फिर कोई भी गवर्नमेंट बैन करती है, तो वो उसे परमानेंट बैन नहीं करती, सिर्फ टेम्परेरी बैन करती है ताकि उसे प्रतिबंध लगाया जा सके। अगर वो अपनी आदत सुधार लेता है, जैसे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को कि अगर वो आगे से ऐसा काम नहीं करेगा कि हमारे डेटा लीक नहीं करेगा, तो ही उसे अनबैन किया जाएगा, नहीं तो बैन कर दिया जाता है परमानेंट। ये सबको पता है। जैसे अगर आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर आपके घर में, अगर आपका घर बन रहा है, अगर अगला बंदा कोई स्टे लगा देता है कि उसकी हिस्सेदारी इसमें है, या फिर तुम उसकी ज़मीन पे चीट कर रहे हो, तो वो स्टे लग जाता है उस पर। इसी प्रकार से पबजी में भी है। तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि ये चीट कर रहा है हमको, इसीलिए उस पर बैन लगा दिया गया है। और ये टेम्परेरी बैन है, परमानेंट बैन नहीं है। और ये कैसे हटेगा और इसमें क्या सवाल है, आप एक्सपर्ट की बात खुद सुन लीजिए, वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो अभी आप खुद सुन लीजिए कि उसने क्या बोला हुआ है। सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत परिभाषित है। उसके तहत कुछ जब लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, तब सरकार दिशा निर्देश दे सकती है किसी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी को ब्लॉक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक परमानेंटली किया जा सकता है, कोई समय अवधि होती है, उसके अनुसार ही उसको ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार को पता लगता है कि कानून का उल्लंघन लगातार चल रहा है, तो वो ब्लॉकिंग को एक्सटेंड भी कर सकती है। तो लाजमी सी बात है, इतिहास गवाह है कि पहले भी ऐप्स ब्लॉक हुए हैं और फिर अनब्लॉक हुए हैं और पुनः से लोगों को एक्सेस मिल पाया है। अब इस केस में देखना पड़ेगा कि सरकार क्या तफ्तीश करती है, उसे क्या कुछ मिलता है। लेकिन ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग दोनों की ही पावर फिलहाल सरकार के पास मौजूद है कानून के तहत। अगर पबजी मोबाइल 70 क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही से दे देता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये हमारे इंडिया में चलने लायक है और ये हमारे डेटा लीक नहीं कर रहा है, तो ही इंडियन गवर्नमेंट जो है उसे अलाउ करेगी। या फिर हो सकता है कि वो इंडियन वर्जन पबजी लाए और अपना एक पार्टनर तो इंडिया में खोज ही रही है, जैसे उसे कोई पार्टनर मिल जाता है, वो इंडियन लेवल पे, मतलब इंडिया में ही अपना पबजी लॉन्च करेगी, जो कि सिर्फ इंडियन सर्वर पे होगा। तो आशा करता हूँ आपको इस जानकारी से बहुत सुकून मिला होगा, क्योंकि मुझे मिला है। और एक बंदा बोल रहा था कि तू एक ही बात बार बार बोलता है, तो आपको मैं पूरी प्रूफ दिखा दिया हूँ।